हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह 7:30 बजे से, और हरियाणा रोडवेज की बस से। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह बस, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 दिन की के टूर के ऊपर हूँ। तो एक दिन गई थी बुआ के यहाँ, एक दिन चली गई थी गाँव में, और आज जा रही हूँ मैं रोहतक अपनी बहन और अपनी ननंद के घर। तो बस यहाँ जा रही थी मैं, वहाँ पे तो चली गई थी इनके साथ, एक जगह चला गया था मेरा बेटा, और आज मैं जा रही हूँ हरियाणा रोडवेज की बस में बड़ी सेफ्टी के साथ। मुंह पे मास्क, बैग के अंदर सैनिटाइजर, और वैसे तो बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक एक सीट के ऊपर दो दो सवारियाँ बैठी थी, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ थी। और ये यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी रोहतक। ये रोहतक का अनाथ आश्रम, यहाँ के एक बार मन दुखी हो जाता है, क्योंकि ये दिमाग में आता है कि ये भी किसी के, देखो बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे थे, और इन्हीं के पास था वृद्धाश्रम। उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि फ़ोन था बैग में, और फिर तब तक निकाला तो वो जा चुका था पीछे। और पहले जाऊंगी मैं मेरी ननद के घर, क्योंकि पहले घर उनका लगता है, तो फिर उसके घर कुछ देर, 1-1.5 घंटे के करीब बैठी थी मैं वहाँ पे, चाय पानी पी, खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये आ गई थी मेरी बहन की बेटी लेने, तो फिर मैं उसके घर आ गई थी। फिर कैसे निकाले, अच्छा ये पोज बना रही थी, पोज बना रही थी, और कैसे और यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मस्ती। है ना मीठा। और ये थी मेरी बहन के देवर की बेटियां, दोनों ये जुड़वा बेटी हैं, बड़ी क्यूट सी हैं और बहुत प्यारी हैं। एक का बेटा तो वो गई हुई थी आज मायके, वरना मैं आपसे उनको भी मिलवाती। फिर बस यहाँ पे बैठे कर रहे थे कुछ बातचीत ऐसे ही, यहाँ पे मेरी बहन बैठी थी और वहीं पे थी उनकी ये सास पास में, ये उनका बेटा, और बस यहाँ वहाँ की यही बातें चल रही थी। और फिर यहाँ से उठ के मेरी बहन बनाने लगी थी खाना, और उसकी बेटी ने ले लिया था फ़ोन, फिर वो यहाँ से कर रही निकाल रही थी कुछ क्लिप। मैंने बता दिया कि आज मैं कोई व्लॉग तो बना नहीं पाऊँगी, तो बस यहीं से कुछ थोड़ा बहुत हो सकेगा तो मैं वो दिखाऊँगी आपको, और कल से फिर मेरे व्लॉग मेरे रूटीन में डेली के फिर आने शुरू हो जाएंगे। और ये 3 दिन के लिए मेरे लिए थी थोड़ी सी दिक्कत, तो इसलिए बस कोई ख़ास नहीं डाल पाई थी। तो ये था बच्चों का रूम, और ये थे उनके फ़ोटो कोलाज। अभी अभी उनका बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो उनके पापा ने गिफ्ट किया था। तो फिर यहाँ पे खाने की तैयारी हो चुकी थी, मौसी जी चली गई थी नीचे, क्योंकि ये सेम 3 पार्ट में घर बना हुआ था, 3 मंजिल, तो बीच वाली में रहती थी मेरी बहन, और ऊपर वाला था वो था खाली, कोई भी मतलब मेहमान टाइप कोई भी आए तो अगर कोई रुके तो रात को, सेम है बिल्कुल सेम वही का वही नीचे, तो नीचे वाले में रहती है उसकी देवरानी। और मौसा मौसी कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि फ्री, तब उनका जहाँ ऊपर मन करे तो ऊपर, नीचे मन करे तो नीचे। तो वैसे भी इनका अलग जैसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अलग है, तो बिल्कुल एक घर की तरह ही काम करते हैं। और इनकी ये चीज़ मैंने इस घर में बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, ये फ्रिज टाइप है, वैसे फ्रिज नहीं है ये, और मोटर शायद इसमें भी फिट है, और इसके अंदर रखते हैं ये सूखा सामान जैसे दाल, छोले, चावल, राजमा, इस तरह का। तो और बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्रिज है, लेकिन ये फ्रिज है नहीं।
और यहाँ पे ये बना हुआ था मंदिर, तो ये अभी अभी शिफ्ट हुए थे इस घर में। ये अलग से कैबिनेट है, बाकी नीचे इसके जो ड्रॉ है उसके अंदर कुछ कुछ और सामान। और ये था साइड में ड्राइंग रूम, ये देखिए। और ये यही दिखा रही थी कि सोफे के कवर मैं अभी अभी लेके आई थी, और दोनों साइड हैं डबल साइडर, किसी भी साइड जिनको मैं कर सकती हूँ चेंज, यानी कि और सोफे में मैच भी करते हैं, दोनों साइड ही मैच करते हैं। इस साइड में गैलरी, बार की साइड, और ये इधर बच्चों का कमरा। और जो ये फोटो का कोला जाती है, मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैंने सोचा कि एलईडी चल रही है, मैंने तो बोल भी दिया था कि एलईडी यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो फिर टीवी क्यों चला के रखा हुआ था, फिर देखा तो अरे ये तो वही कोला जो बनवाया था इनके पापा ने अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट में, तो वो था, बड़ा प्यारा गिफ्ट है ये देखिए। और खाना वगैरह खा लिया था, फिर मेरी बहन लगी थी बर्तन बर्तनों को साफ करने, और बस फिर मैं इधर उधर यही कोई कोई थोड़ी बहुत क्लिप निकाल रही थी, फिर ये बच्चे पास में आ गए थे तो उनके साथ बैठी रही, फिर बीच में ही लगी थी मेरी बहन अपने और काम पे। फिर उसने कहा कि मैं सुबह सुबह वो मलाई भी लो रही थी, लेकिन उसके अंदर से वो मक्खन निकला ही नहीं, तो एक बार ट्राई करके देखना। तो मैंने कहा चल तू अपना जो काम कर रही है वो कर, फिर मैं देखती हूँ, वैसे तो मुझे भी नहीं आता ये काम। फिर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सोचा कि ये जो किचन के अंदर जो साइड में जो दीवार होती है, मैंने सोचा वैसे ही है इसके ऊपर डिज़ाइन, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये भी यहाँ भी कवर्ड है। तो मैंने इसके ये हैंडल देखे, तो खोला तो देखती हूँ तो यहाँ भी ये तो कवर्ड बनवा रखे हैं, बोले यहाँ ये स्टोरेज के लिए होते हैं, अब ये आजकल ये भी बनवाने लगे। बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही जो किचन का बाहर जो मेन गेट होता है वो है, लेकिन इनके अंदर भी यहाँ भी ये कवर्ड बनवाए हुए थे। साथ में था ये जो फ्रिज टाइप है वो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने पहले कभी किसी के घर देखा भी नहीं है। किचन अभी ऐसे ही बिखरी हुई थी, क्योंकि होता है अगर कोई जब घर में आ जाता है तो बार बार खाना बनाने में कुछ, कभी चाय कभी कुछ कभी कुछ। और वैसे खाना मैं खा के आई थी वहाँ पे मेरी ननद के घर पे, लेकिन इन्होंने भी ज़बरदस्ती ही खिला दिया। और वैसे मुझे प्रॉब्लम भी होती है अगर मैं बस में जाती हूँ तो तेल वगैरह की, तो जी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर मना भी नहीं कर पाती, करती भी बहुत हूँ लेकिन मानते भी नहीं है, तो ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ भी खिला दिया और ज़बरदस्ती यहाँ भी। तो अब देखती हूँ रास्ते में कैसे जाती हूँ, क्या बनता है कुछ नहीं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको एक छोटा सा घर, घर के अंदर घर, यानी कि स्लैब के ऊपर घर रख सकते हो, ये बेड के ऊपर घर रख सकते हो, वही 3 मंजिला मकान ही है, बड़ी आलीशान कोठी है ये देखिए। और जैसा इनके मकान का कलर था वैसा का वैसा इन्होंने इसके ऊपर भी किया हुआ था। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, 3 मंजिल, तीनों मंजिलों में ये सीढ़ी, और बिल्कुल टॉप वाली के ऊपर है पानी की जो टंकी बना के रखते हैं वो वाली। तो ये बड़ी दूर से आया हुआ था, ये मेरे मामा के लड़के की जो बहू है वो लेके आई थी अपनी शादी में, फिर उसके पास से आ गया था ये मेरे पास, और फिर मेरे पास से ये चला गया इस मेरी बहन के पास। तो ये देखते हैं लास्ट तक कहाँ रुकता है। तो यहाँ मेरे पास था तो इस पर रेड और ये वाइट कलर था, यहाँ पे इसने आने के बाद इसके ऊपर और करवा लिया था, अब वो इसके बाहर से लगवा रही है जो कांच की बाउंड्री होती है वो। और फिर मैं आ गई थी किचन में इसके पास, ये बनाने लगी थी चाय, और मैं फिर इसकी ये मलाई को बिलोने लगी थी। वैसे तो सुबह इसने बिलो लिया था थोड़ा बहुत, जो कम, वैसे मक्खन ज़्यादा आया नहीं था, तो इसने वैसा का वैसा फ्रिज में रख दिया था। फिर बोली तो एक बार ट्राई करके देख, मुझसे यह नहीं रहा, तो फिर बस 2 मिनट ही चलाया था, वैसे तो फ्रिज में रखा था पूरे दिन, तो 2 मिनट चलाते ही फिर मक्खन इसके अंदर आ गया था। फिर बोली इसको रख दूँगी मैं फ्रिज के अंदर और शाम को फिर मैं मक्खन निकाल लूँगी। और फिर मेरी हो चुकी थी जाने की तैयारी, बस निकलने वाली थी तभी घर से आ गया था बच्चों का फ़ोन, तो वो मेरी बहन कर रही थी बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कि भाई मुझसे भेज दो मम्मी को, शाम होने वाली है, 4:30 होने वाले थे। और यहाँ से फिर मैं जाऊँगी एक बार फिर से मेरी ननद के घर, और यहाँ से वहाँ छोड़ के आएगी इसकी बेटी, और फिर वहाँ से
जो मेरा भांजा है वो मेरे को छोड़ेगा बस स्टैंड पर, और फिर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी फिर वापस। तो दो जगह अगर जाने की जगह हो तो यही होता है कि दोनों जगह घूम फिर लो अच्छे से और टाइम स्पेंड हो जाएगा, और बस फिर निकलती हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ तैयारी हो चुकी थी मेरी जाने की, और जो मेरी बहन की बेटी थी वो बना रही थी क्लिप। तो बस यहाँ से हो चुकी थी हमारी विदाई, और इनकी देवरानी आज यहाँ पे थी नहीं, बड़ी अच्छी है वो भी, बड़ी क्यूट सी है, प्यारी सी, लेकिन वो आज थी नहीं, वरना मैं उससे भी फिर कभी मिलवाती। तो आज जैसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसा थोड़ा बहुत मैं बना पाई, तो यहाँ की वीडियो शेयर की थी, ज़्यादा तो मैं होम टूर इनका नहीं करवा पाई। और जो मेरी ननद का मकान है उन्होंने भी अभी नया नया बनाया था, तो उनका मैं अगले राउंड में आऊँगी तो फिर मैं उनका होम टूर आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पे बैठे थे मौसा जी, ये सुबह से कहीं गए हुए थे तो ये अभी अभी आए थे, और ये चलते हुए थोड़ी सी झलक। तो ये था नीचे वाला उसकी देवरानी का। तो यहाँ पे मौसी जी लगी हुई थी काम पे, क्योंकि भैया तन वो ना कि बड़े जो बड़े लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, जब बच्चे कहीं चले जाते हैं तो उनकी पीछे से सारी देखभाल करना था। बस मैं यही मौसी से बातें कर रही थी, और बड़ा अच्छा नेचर की है ये, बड़े मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद एक बार। और यहाँ पे बैठे थे उनके देवर जी, और बाहर का भी काम पेंडिंग बचता है अभी, तो बाहर भी इनके अभी काम यानी कि चालू है, अभी काम नक्की हुआ नहीं है, क्योंकि अभी बस अपना सामान ऊपर रखा था और नीचे का भी बना नहीं था। तो बस मैं यहाँ से निकल ली थी, बच्चे साथ साथ होता ही है वैन का, तो ऐसे ही जैसे बस यहीं रहे जाए ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैं निकल ली थी, और अब जाती हूँ मैं सीधी अपनी ननद के घर। तो वहाँ आपको मैं दिखाती हूँ उनकी गाय, वो गाय रखती है, और बहुत लगाव है गायों से उनका, सॉरी, और उनके बच्चों का तो कहना ही क्या है, हद से ज़्यादा। और ये उनके घर से थोड़ा सा आगे चलते ही था गुरुद्वारा, इतना ही इनके घर से और इतना ही ये मेरी ननद के घर से है, तो इसे थोड़ा सा आगे चल के उनका घर आ जाता है। तो अभी अभी उनकी जो मैं बता रही थी, फिर बीच में ही मैं और कोई टॉपिक शुरू हो गया था, तो अभी कुछ दिन पहले उनकी गाय ब्याई थी, तो वो बच्चिया पैदा हुई थी उनकी। तो भैया ना कि देखो किस्मत होती है कुछ, और वैसे बोलते हैं कि भगवान है भगवान है, लेकिन कोई कई कई बातें ऐसी होती है कि उससे ये यकीन नहीं होता कि भगवान होते हैं, क्योंकि जो गाय अभी उनकी ब्याई थी तो उस बच्चिया को दिखाई नहीं देता और न ही उसको सुनाई देता है, और जो उससे बड़ी थी यानी कि जो अब ब्याई थी उसकी जो बहन थी उसको भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये किसी को दे भी नहीं रहे। बच्चों को इतना लगाव है कि हम किसी को देंगे नहीं मामी जी, क्योंकि पता नहीं कोई कैसी देखभाल करे या कोई कहीं छोड़ दे, तो इस वजह से वो उनको किसी को दे भी नहीं रहे। वरना मैं यही कह रही थी कि भाई जो गौशाला उसके अंदर छोड़ दो, बोला नहीं पता नहीं कोई कुछ डाले खाने के लिए, दे ना दे कोई छोड़ दे, तो ये जो लाल वाली है इसको दिखाई देता है, और जो इसके पास में सफ़ेद है उसको भी नहीं दिखाई देता। और ये थोड़ा इसी झलक दिखा रही हूँ मैं घर की, तो पूरा होम टूर में अब की बार आऊँगी जब करवाऊँगी इनका पूरा, तो पहले दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ है। ये देखिए जो वाइट वाली है ये इसकी बहन है रेड वाली की, तो इसको भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये समझदार है, ये समझ जाती है हर बातों को, ये पकड़ती है। लेकिन ये बेचारी ये बिल्कुल छोटी सी है, इसको तो सुनाई भी नहीं देता और ना ही इसको दिखाई देता। तो ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान है नहीं कहीं, अगर होता तो भगवान के हाथ में होता सब कुछ, कुछ भी चमत्कार कर सकता है भगवान, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वैसे तो गौ माता देखो हर कोई करता है, लेकिन इस घर में जो गौ माता की जितनी सेवा ये कर रहे हैं इतना शायद ही कोई कर पाए, लेकिन इतना लगाओ बस पूछो मत। तो देखिए कुछ वही होता है कर्मों की जो होती है वही, क्या इसने क्या भाई पिछले जन्म में गौ हैं ये, इन्होंने क्या किसी का बुरा किया होगा, लेकिन वही है भाई जो भगवान करता है वो सब कुछ होता है मंजूर होता है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो, मैं अब यहाँ से निकल रही थी, और मैं यहाँ दोबारा आई थी, सुबह आई थी जब मैं थोड़ी एक डेढ़ घंटे के लिए यहाँ पे बैठ के गई थी, और
अब आई थी मैं अपने मतलब के लिए, मतलब कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, तो वही होता थोड़ा बहुत अपनापन भी यही होता है कि इनकी ये दूध देती है गाय, तो इसने कहा कि जाते वक्त मैं बोतल भर दूंगी दूध की लेके जाना, तो सिर्फ उसके लिए मैं अभी यहाँ पे आई थी। अब चलती हूँ मैं अपने घर पे वापस, और कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।